टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जतारा रोड पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में बस में सवार 12 यात्रियों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। टीटाखेड़ा गांव के पास क्रॉसिंग के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां पर यात्रियों से भरी बस पलट गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? जी, टीकमगढ़ जिले के जतारा से ये बस नगर परिषद जतारा से टीकमगढ़ की ओर बस आ रही थी। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली से क्रॉसिंग के दौरान ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई और ये सड़क किनारे गिर गई। तो जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बस में तकरीबन 40 से 45 लोग सवार थे, जिसमें से करीब एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत थाना पुलिस को सूचना दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निकाला गया। जतारा थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने बताया है कि फिलहाल सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल थाना प्रभारी ने बताया है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हुई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।